Hey, what's up guys? कैसे आप सभी लोग भाई? आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन येलो। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि इससे पहला एपिसोड मेरे दो पोकेमॉन मर चुके हैं, एक का नाम है स्लीप, एक का नाम है मिस्टर बी। और भाई मिस्टर बी को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरे को मरने पे, लेकिन इस वाले एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं एक दो नए एनकाउंटर पकड़ने और बहुत सारी बैटल करने। तो भाई चलते हैं तेजी से अपने गेम की तरफ। तो गाइस यहाँ से मैं गेम में आ चुका हूँ और मैंने अपने मिस्टर बी को डिपॉजिट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं ले लूँ 4 आर्म। ठीक है, यहाँ से मैं 4 आर्म को ले लेता हूँ और फिर इसको हील करता हूँ और फिर चलता हूँ मैं अपना थोड़ा जर्नी में और आगे बढ़ता हूँ और अपने पोकेमॉन को सेफ रखने की कोशिश करता हूँ। और अभी मेरा एक एनकाउंटर आने वाला है, वो है लेफ्ट में, और एक केव वाला एनकाउंटर है। तो 2 एनकाउंटर है मेरे पास अभी भी। ग्रेट बॉल तो एक रखी है मेरे पास, एक्सेल कितने में 0 रुपए में जा रहा, आई सील पोकीबॉल है, सुपर पोशन है, पोकीबॉल तो रखे है मेरे पास, सुपर पोशन ले लेता हूँ भाई। सुपर पोशन जरूरत पड़ेगी और 3 ही सुपर पोशन में पूरे पैसे उड़ गए भाई। भाई 3 सुपर पोशन लिए और पैसे उड़ गए हवा में। भाई यहाँ पे ऑफिसर जैनिश ये मेरे को स्क्वाटल देती थी, आई जस्ट गॉट ए स्क्वाटल दैट वॉज Always getting into mischief। ये कौन सी जगह, यहाँ पे ये घर कौन सा, यहाँ पे पिकाचू एक क्लिफेरी से बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, पिकाचू बात कर तू क्लिफेरी से, मैं यहाँ पे इन सब लोगों से बात करता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ दे दे मेरे को ये। ओके, इसका चेयरमैन वो रहा, चेयरमैन से बात करनी है मेरे को, चेयरमैन के पास जाता हूँ पहले मैं। ठीक है भाई, ये दोनों के बीच कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है आज चेयरमैन। ओके गाइस, जो ये चेयरमैन है इसने मेरे को बाइक का एक टिकट दिया है जिससे मैं बाइक खरीद सकता हूँ जाके। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर मिलता हूँ बाइक सेंटर पे जहाँ से मैं बाइक लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, मैं फुल रफ्तार आ चुका हूँ बाइक जहाँ पे बाइक बेचते हैं ये लोग। ठीक है, मेरे को इसको टिकट देनी और ये मेरे को बाइक दे देगा। ओह, दिस इज अ बाइक पाउचर, बाइक पाउचर से मेरे को बाइक मिल चुकी है। और भाई बाइक आएगी कैसे मेरे पास, फिर बाइक आई है आइटम में अच्छा लगेगी क्या बाइक, हो सकता है देख लेता हूँ मैं। और ये रही भाई बाइक, बाइक मिल चुकी है मेरे को पहले आइटम पहले सॉर्ट करने पड़ेंगे यार। ओके गाइस, देख रहे हो मेरे को जैसे बाइक मिल चुकी है और यहाँ से मैं बाइक राइड कर सकता हूँ। देखो ये भाई सुपर बाइक चल रही है, अब देख रहे हो ये, लेकिन मैं इसको किसी घर में नहीं चला सकता हूँ, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बाइक चलाने में यार। स्पीड बढ़ गई है मेरी, देख रहे हो, वरना धीरे धीरे जाता था, अब स्पीड बढ़ गई है मेरी बाइक चलाने की। ओके, मैं वापस आ चुका हूँ वर्मेलिया सिटी में बाइक लेके। भाई बाइक लेके बहुत ज्यादा सही है, मैं थोड़ा स्पीड में ट्रैवल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब भी किसी घर के अंदर एंटर करूंगा मेरी बाइक वापस से डिस्माउंट हो जाएगी क्योंकि मैं घर के अंदर बाइक चला नहीं सकता हूँ। आई एम द फिशिंग गुरु, टेक दिस एंड फिश यंग वन, RSB रिसीव ओल्ड रॉड। भाई फाइनली हमको एक ओल्ड रॉड मिली है, मेरे हिसाब से इससे कुछ ज्यादा अच्छे खास पोकेमॉन तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं मेरे पास एक और एनकाउंटर हो चुका है जो कि इस सिटी के अंदर मैं पकड़ सकता हूँ। ओह भाई ये सही है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे कहा गया मेरी रॉड, ये रही ओल्ड रॉड। ठीक है, यूज करता हूँ, देखता हूँ कुछ पकड़ पाता हूँ नहीं पकड़ पाता हूँ मैं इससे। ठीक है भाई, मेरे को बाइट मिली, बाइट मिली है, देखते हैं क्या मिला है भाई। अबे बी ड्रिल, ओ भाई मेरा मिस्टर बी वापस आ सकता है, मैं मिस्टर बी को वापस लेके आऊँ क्या, मैं एक बार वापस से क्या हुक करके देखता हूँ क्या पता कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाए मेरे को, है कि नहीं। तो मैं इससे रन करता हूँ फिर जाता हूँ मैं वापस से एक बार फिशिंग करने। ठीक, मैंने ओल्ड रॉड को यूज किया, देखें क्या मिलता है इस बार क्या मिलता है। और वापस से बीट रिली मिल रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक बार बाइट करके देखता हूँ क्या मिलता है मेरे को, एक बार वापस से बाइट हुई देखता हूँ क्या मिला है इस बार। भाई बीट रिली मिल रहा है भाई, चलो भाई पकड़ लेते हैं इसको, पकड़ लेते हैं भाई क्योंकि कोई दूसरा पोकेमॉन मिल नहीं रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसको मैं 5 लेवल का भाई, ओके 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 भाई 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 छोड़ दे तक, भाई 5 हिट मारे भाई इसने बी ड्रिल ने। अब मैं जाता हूँ आइटम पे, इस बार तो आ ही जाएगा भाई, पकड़ में आ ही जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे वापस आ चुका है हमारे पास मिस्टर बी, इसको मैं वापस इसका नाम रख देता हूँ। ओके गाइस, मैंने इसका नाम रख दिया पूरा इस बार, उस बार मैंने सिर्फ मिस्टर बी रखा था, इस बार मैंने पूरा नाम रख दिया मिस्टर बीस्ट। ठीक है, मिस्टर बीस्ट वापस आ चुके अपनी टीम में। ओके, यहाँ पे अगर आपको भी किसी पोकेमॉन को अपना नाम देना है तो भाई जल्दी से जाओ कमेंट करो और आपके पोकेमॉन को नाम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने मिस्टर बी को तो पकड़ लिया है, मिस्टर बीस्ट को पकड़ लिया और यहाँ पे हील करता हूँ मैं। हाँ, डिग्लिट के, मैं यहाँ पे डिग्लिट पकड़ सकता था पहले, लेकिन अब मैं पकड़ सकता हूँ ऑसम ऑसम पोकेमॉन। व्हाट अ सरप्राइज, डिग्लिट डिग दिस, भाई बड़ा अजीब सेंटेंस है मेरे को पोकेमॉन। ओके, फाइनली एक एनकाउंटर आया है, फाइनली एक एनकाउंटर आया। और भाई क्लिफेरी आई है, भाई क्लिफेपे आया है, क्लिफेरी भी नहीं क्लिफेपे आया है, इसको पकड़ लूंगा तो भाई मेरे पास खून स्टोन है तो पहले से विकसित है भाई ये, तो मैं इसको विकसित कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ।
भाई पता नहीं, यहाँ पे पहले सैंड अटैक देता हूँ, उसकी एक्यूरेसी घटाता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गस्त देके इसकी लाइफ घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लिफ वेव तो मरने का ना। ओ भाई आई बीम है इसके पास, फाइट यूज कर रहा है। मैं यहाँ पे थंडर वेव देता हूँ, यूज हो जा भाई थंडर वेव। ठीक है, फाइनली थंडर वेव यूज हुआ है। ठीक है, ये पैरालाइज हुआ है, मेरे को इसको रेड में लाना है किसी तरीके से। क्विक अटैक पड़ जा। मिस कर दिया यहाँ पे इसने, मिनिमाइज वापस से। भाई कितना छोटा होना चाहता है यार तू। भाई क्विक अटैक मार मार के थक चुका, लेकिन क्विक अटैक पड़ ही नहीं रहा इसे। भाई मैं रन कर लूंगा इससे अच्छा तो। ठीक है, फाइनली एक क्विक अटैक लैंड हुआ है। मर जा भाई, ये कितना टाइम लगा रहा है यार। भाई ठीक है, तू मर जाता अभी। यहाँ पे पोशन यूज करने पड़ेंगे भाई, मैं इसी को पकड़ने में सारे पोशन यूज कर दूंगा लग रहा है। फ्लाई से पहले स्वीट लग दे इसको भी स्लीप में। भाई सारे पोकेमॉन को स्लीप में डाल देना, पकड़ूं कैसे तेरे को फिर। इसको नहीं पकड़ पाऊंगा भाई, यहाँ पे एनकाउंटर बेफर्जी का बर्बाद चला गया मेरा। भाई बर्बाद चला गया मेरा एनकाउंटर, मेरे को हील करना पड़ेगा अपने आप को। भाई यही मिल जाता है यार, क्या दिक्कत थी। 29 लेवल का भाई वो नीडो रैम था, नीडो ओके यहाँ पे तो था। मैं इस केव से तो आज को इस केव लेके कहाँ जाती है, मैंने चेक नहीं किया ना। एक मिनट को पहले मैं लेता हूँ बाइक यहाँ पे। बाइक आ जा, बाइक में यूज कर सकता हूँ, नहीं यूज कर सकता हूँ केव में। ठीक है, मैं बाइक यूज कर सकता हूँ। ठीक है चलो भाई, बाइक यूज किया मैंने। यहाँ पे एक और एनकाउंटर आ चुका। ओ भाई स्नो लैक्स मिल सकता था भाई मेरे को लेवल 20 का यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्विच चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये समझ में। अभी क्यों स्विच चेंज कर रहा हूँ भाई, मर जाऊंगा। अभी रन करता हूँ यहाँ से। ओ भाई हेडबट, मरना नहीं भाई, 20 लेवल का है वो। ठीक है, पहले मेरे को अपने मिस्टर बीस्ट को भाई थोड़ा लेवल अप करना है। यहाँ पे स्विच करता हूँ मैं फ्लाई के साथ, और ठीक है यहाँ से पिकाचू को भी ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा मिस्टर बीस थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, इससे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एनकाउंटर आ चुका है, मेरे को देखना है, इससे तो भागना पड़ेगा। मर गया भाई, क्या भाई। मिस्टर बी वापस डेड हो गया भाई, क्योंकि भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ पे भाग ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और सुला अलग दे रहा है भाई मेरे पोकेमोन को। भाई ये लोग बड़े अजीब हैं यार, मैं इस गेम में क्यों आया यार। अरे यार इस गेम में क्यों आया। रन कर भाई, सेफली रन हो चुका हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ से अवेकनिंग है ना, पे मेरे पास अवेकनिंग है, पकड़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे को लगा मैं स्विच ट्रेन करूंगा, लेकिन स्विच ट्रेन में दिक्कत आ गई भाई। ओ भाई म्यू पकड़ सकता था मैं यहाँ पे। भाई ये क्यों नहीं आया पहले, उससे ज्यादा इजी होता है इसको हराना। एब्रा का कटैब्रा, रन सेफली कर भाई। मेरे को पहले देखना ये लीड करती कहाँ है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, नीचे साइड आइटम है, तो मैं ओ भाई ये कौन है। अभी मेरे को शायद यहाँ पे बाद में आना पड़ेगा, जब मेरे को ग्रास मतलब मैं कट सीख लूंगा भाई। अगर मेरे को पर्जन मिल गया तो मैं इससे ट्रेड करके जोल्टियन ले सकता हूँ भाई। लेजेंडरी पोकेमोन को ट्रेड क्यों कर रहे हैं भाई, ये पागल आदमी है। मेरे पास अगर पर्जियन होता, पर्जियन है नहीं मेरे पास, तो मेरे को पर्जियन इनकाउंटर मिलेगा तब मैं चेंज कर पाऊंगा ना। ओके गाइस, मैं इस टनल से पूरा टहल के घूम के आ चुका हूँ, और भाई मेरा मिस्टर भी वापस डेड हो चुका है, और मेरे पास अभी सिर्फ 5 ही पोकेमोन है। मेरे पास पीसी में रखे हुए पोकेमोन मैं ला नहीं रहा अभी, क्योंकि मेरे यहाँ पे एनकाउंटर होने वाला है, और मैं उस एनकाउंटर को देखना चाहता हूँ वो है क्या। मिल जा भाई कोई तो पोकेमोन, आ जा भाई कोई पोकेमोन आ जा। ओके फाइनली एक एनकाउंटर आया है, देखें क्या है ये। ओ भाई चार्मेंडर, ओ भाई फाइनली मेरा डॉक्टर लिजर्ड वापस आएगा। मैं लेकिन ड्यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता कि भाई चार्मेंडर बहुत ही सही पोकेमोन है भाई। मेरा डॉक्टर लिजर्ड वापस आएगा, मेरा डॉक्टर लिजर्ड वापस आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको देता हूँ थंडर वेव। क्विक अटैक से मेरे हिसाब से मरेगा नहीं है कितना मेरे को लग रहा है। ठीक है, पैरालाइज हुआ है, इसने स्क्रैच मारा मेरे को। फिर कोई स्क्रैच ना मार रहे, मैं तेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को डॉक्टर लिजर्ड वापस से मिलेगा भाई। आधी लाइफ चले गई, मैं इसको दोबारा नहीं मार सकता हूँ, इससे निशान से तो बिल्कुल नहीं मार सकता हूँ। फोर आर्म से मार सकता हूँ इसे, क्योंकि फोर आर्म भी लेवल 17 का, ये भी लेवल 17 का था, लेकिन ये मेरे फोर आर्म को ना मारते। कराटे चॉप मरना नहीं चाहिए, कराटे चॉप से ये मरना नहीं। ठीक है, येल्लो पे तो आया ये, मैं ट्राई कर सकता हूँ येल्लो पे पकड़ने के लिए इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले स्विच करता हूँ अपने पिकाचू पे, क्योंकि भाई मैं चाहता नहीं मेरा फोर आर्म मर जाए। ठीक है, आइटम में जाता हूँ, पोकेबॉल फेंकता हूँ और पकड़ लिया भाई। चार्मेंडर आ गया मेरे पास वापस, इसका नाम मैं वापस से रखूंगा। ठीक है गाइस, मैंने इसका नाम वापस से डॉक्टर लिजर्ड रख दिया, क्योंकि ये डॉक्टर लिजर्ड की याद में वापस से रिवाइव हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से हील करके आता हूँ, पहले डॉक्टर लिजर्ड को मैं हील करने जा रहा था। यहाँ पे ये ओल्ड मंक आ चुका है मेरे से बैटर करने, पास इसके पास वाइल्ड प्लूम है भाई,
फाइल फ्लू है तो इसको मैं थंडर बोल्ट से मार सकता हूँ। स्टन स्पोर दे दिया भाई, पैरालाइज कर दिया यार, पैरालाइज कर दिया। ओके इसके साथ स्टन, ओ लीफ डांस, मरना नहीं पिकाचू, पिकाचू मरना नहीं। ओ भाई थंडर बोल्ट, फाइनल थंडर बोल्ट पड़ा। इसके दो अटैक क्यों पड़े भाई मेरे को, मेरे को ये समझ में नहीं आया। इसको भी मैं पैरालाइज करता हूँ, इसने मेरे को पैरालाइज किया तो मैं इसको पैरालाइज करता हूँ। वाइन भाई मरना नहीं भाई, बड़ा खतरनाक अटैक मार रहा है भाई ये। मेरे को पिकाचू से नहीं खेलना इससे, मैं जाता हूँ भाई फ्लाई से इस पे। भाई मेरा मेरा पिकाचू मर जाएगा। मेरे भाई पोकेमोन बड़ा अंडर लेवल वाइंड व्हिप मार रहा है भाई ये तो, फुल थ्रॉटल वाइंड व्हिप। गस्त मारता हूँ, गस्त से हार जाएगा। मेरा पिजियोटो भी कोई अटैक नहीं सीख रहा है यार। भाई क्या कर रहा है भाई पिजियोटो, मार दे इसे भाई। स्टन स्पोर भाई क्यों दे रहा है स्टन स्पोर यार तू, पैटर्न लांस ने पैटर्न लांस दिया मेरे को। मरना नहीं पिजियोटो, मेरा फ्लाई प्लीज मरना नहीं तू। ठीक है मरा नहीं, यहाँ पे गस्त देता हूँ। गस्त से दो अटैक में तो मर जाएगा ये, एक बार और मारूंगा मर जाएगा ये। स्पीड अप करता भाई थोड़ा, और गया भाई एक तो गया। ठीक है वाटर गन मारा कुछ नहीं हुआ, थंडर बोल्ट मारूंगा एक बार मर जाएगा ये। ठीक है भाई गया। ठीक है भाई पिकाचू लेवल अप हो चुका है। ओ भाई यहाँ पे ट्रेनर बड़े हार्ड आने वाले हैं भाई, इतना पता चल चुका है मेरे को। ठीक है मेरे को पहले इसको हराना है। मचैम, इसके पास मचैम, इसको थंडर बोल्ट मारता है एक ही बार मर जाएगा भाई ये। भाई नहीं मरा, क्विक अटैक तो मर ही जाएगा। ठीक है ये एक तो गया, इसका पॉलीवॉल है, पॉलीवॉल भी भाई पोकेमोन है, पोकेमोन तो आई है भाई वो मतलब वाटर टाइप है, तो उसको मैं मार सकता हूँ थंडर बोल्ट से। भाई पिकाचू ओपी होता जा रहा है, अब उठ जाएगा तो मैं इसको पकड़ भी लूंगा ना। ये रहेगा पोकेडॉल कहाँ पे है भाई, पोकेडॉल पोकेडॉल कहाँ है, ये रहा पोकेडॉल। यूज नहीं हो रहा है भाई, भाई मेरे को लगा यूज होगा, नहीं हो रहा है भाई, मेरे को लगा यूज होगा। ठीक है भाई यूज तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे मैं बैटल करता हूँ भाई और सत्य भी ट्रेनर सबको निपटाता हूँ एक एक करके। ओके गाइस ये वाइल्ड प्लूम को ला रहा है तो मेरे हिसाब से मेरे को जाए डॉक्टर लिजर्ड में, क्योंकि डॉक्टर लिजर्ड है फायर टाइप, तो इसको एक बार में मार देगा ये एम्बर यूज करके। अगर ये मेरे पे कोई खतरनाक अटैक यूज ना करे तो पॉइजन पाउडर यूज कर दिया भाई। यहाँ पे भाई एम्बर एक बार और मारता हूँ, एसिड बॉन्ड थ्रो। भाई मेरा पोकेमोन तो लाल पे आ चुका है और डॉक्टर लिजर्ड लेवल 20 का हो चुका है भाई, लाल पे आगे मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। अभी डॉक्टर लिजर्ड मर गया था और इवॉल्व हो रहा है भाई, फाइनली इवॉल्व हो रहा है 4000 में ये, नहीं 4 मिलियन में, 4000 खोल रहा था, 4 मिलियन में इवॉल्व हो रहा है और 4 मिलियन में इवॉल्व हो चुका है मेरा डॉक्टर लिजर्ड। ओके गाइस मैं अपने आप को हील करके आ चुका हूं यहां पे, आते में कोई और ट्रेनर मिल चुका है, इसको भी हराता हूं भाई तेजी से हराता। ओ भाई म्यूटू है इसके पास, म्यूटू है भाई इसके पास। ओ भाई इससे कहां लड़ रहा है भाई, मर जाएगा एक ही बार में म्यूटू अटैक मारेगा तो। यहां पिकाचू पे जाता हूं, पिकाचू सबसे ज्यादा हाई लेवल का है। ओ भाई स्विफ्ट यूज केस ने, अच्छा हो मैंने अपना पोकेमोन बदल लिया, थंडर बोल्ट मारता हूं। इसने मेरे को कंफ्यूजन दिया ना, इसको पैरालाइज करता हूं पहले भाई, मैं पैरालाइज करता हूँ भाई। इसके पास म्यूटू कहाँ से आ गया, बॉडी स्लैम कितना मारेगा बॉडी स्लैम से तो। ओ भाई मर गया था, अभी मेरा पिकाचू मर गया था। स्पीड अप रोकना पड़ेगा मेरे को, स्पीड अप रोकना पड़ेगा। ऐसी रात सुपर पोशन यूज करता हूँ भाई, ऐसी रात तो मर जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 50 XP तो मेरी हील हुई है। यहाँ पे इसने डिसेबल यूज करने की कोशिश की मेरे पे, लेकिन यहाँ पे थंडर बोल्ट मारता हूँ पहले मैं से। भाई ये तो खतरनाक हो गया भाई, म्यूटू कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्विक अटैक से कितना जाएगा, मेरे साथ क्विक अटैक से ज्यादा नहीं जाएगा। बॉडी स्लैम पड़ नहीं रहा है ना, पड़ गया भाई बॉडी स्लैम पड़ गया। ओ बॉडी स्लैम से कुछ हुआ ही नहीं भाई, ठंडा बोल्ट ही मारो भाई, ठंडा बोल्ट मारो इसको और ये मर जाएगा एक ही बार में। बस 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 क्विक अटैक मारूंगा इस बार, क्विक अटैक से तो मर जाएगा, क्विक अटैक मारूंगा तो मर जाएगा ये। और ये गया भाई, भाई म्यूटू कहाँ से आ गया था। ओ भाई अभी भी जिंदा है, कंफ्यूजन मरना नहीं, क्विक अटैक गया फाइनली भाई मर गया। और ये मेरे, ओ भाई एक्सपी तो अच्छी खासी थी भाई 101, अरे पिकाचू को 76। भाई ये यंगस्टर तो बड़ा खतरनाक पोकेमोन ट्रेनर निकल गया भाई, म्यूटू को पकड़ के बैठा है ये। ओ भाई पैसा देख रहा मेरे पास, पैसा देख रहा पैसा, मैं यहाँ पे आइटम खरीदने आया था लेकिन मैंने देखा मेरे पास पैसा तो अथा पैसा हो गया भाई, 10,000 होने वाला है। ठीक है भाई मैंने सेल तो कर दिया, मैं यहाँ से पहले सुपर पोशन खरीदता भाई, सुपर पोशन की जरूरत होगी भाई मेरे को। यहाँ पे जितने भी पैसे हैं सबका सुपर पोशन 12 के 12 सुपर पोशन खरीदना मैंने भाई। अब आओ भाई सुपर पोशन खरीद लिया 12 के 12, जितने पैसे थे सबका सुपर पोशन खरीद के मैं कंगाल हो चुका हूँ। ओके गाइस मैंने यहाँ पे जितने भी बंदे सबको हरा दिया, अब मैं जा रहा हूँ भाई शिप के पास जो SS सेल
की शिफ्ट थी, वहां पे जा रहा हूँ मैं तेजी से, पहले वहीं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ टिकट? ओ भाई है, 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 है मेरे पास टिकट, मैं भी अमीर हूँ भाई, मैं भी अमीर हूँ। बैटल होती है क्या सबसे? नहीं, मेरे को यहाँ पे कट मिलता है। ओ भाई मेरे को यहाँ पे कट मिलता है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कट मिलता है कहाँ पे, मेरे को इतना ध्यान नहीं। ओके, यहाँ पे बंदे कमरे में घुस गया, उसने कहा मेरे से बैटल करो, तुम मेरे कमरे में क्यों आ गए, मेरे कमरे में कैसे घुसे बे तुम, बोल रहा है भाई मेरे से वो, और मेरे से बोल रहा है बैटल। ओ भाई बंदा तो बिल्कुल सूट बूट में थीप लग रहा है भाई, चोर लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शकल से चोर लग रहा ही है। अरे वीड्रिल है भाई यहाँ पे, मेरे चार मेंडर तो भाई सुपर लेवल गेन कर लेगा फिर ऐसे तो। एम्बर मार मर गया भाई, वीड्रिल देखी है ना, गया भाई क्रिट मार दिया। ओ भाई एम्बर इस बार क्रिट पड़ गया, पहली बार पड़ जाता तो क्रिट ज्यादा सही रहता। क्रूज इज सो एलिगेंट येट कोजी, ओके भाई इसके मजा आ रहा है, क्रूज में फुल मजे ले रहा है, फुल वाइब आ रही है भाई इसको क्रूज में अपनी ऑसम सी। ठीक है यहाँ पे एक बेल बॉय है, ठीक है भाई जो भी तू बोलता है मैं मान लेता हूँ, कुछ भी बोलता रहे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लड़की ने रोक लिया मेरे को, बैटल करो मेरे साथ, ठीक है भाई बैटल करता हूँ। वही वापस से लिसा आ चुकी भाई है, ये हर जगह दिखती है। गोल्ड है भाई इसके पास, लेवल 18 का, मेरे को चेंज करना पड़ेगा, 4000 तो मर जाएगा मेरा है कि नहीं। तो यहाँ से भाई जाता हूँ पिकाचू पे, और पिकाचू से मारता हूँ थंडरबोल्ट, और ये गया भाई गोल्ड गया, बाय बाय गोल्ड, बाय बाय गोल्ड हो गया भाई, गोल्ड गया भाई। नीला है तो उसका नाम गोल्ड क्यों पड़ा पता नहीं भाई, अलग कैजाम को भाई एक थंडर बोल्ट मरेगा तो गया। देखो भाई एक थंडर बोल्ट का कमाल है भाई, ये देखो देखो धीरे नहीं पड़ा, कोई नहीं भाई होता है होता है, लेकिन बॉडी स्लैम मार देगा कि नहीं मरेगा देख लेता हूँ मैं, बॉडी स्लैम कितना पड़ता है ये देखो भाई, कह रहे थे ना एक बार में जाता है भाई, अगर पड़ता है तो अच्छा खासा अटैक। और यहाँ पे पिकाचू ने भाई इसको हरा दिया है, लिस को कर दिया लेस, ठीक है। यहाँ पे थंडर शॉक दिया और किंगलर गया, किंगलर ढेर हो चुका है, यहाँ पे पेंट हो चुका है, डॉक्टर लिजर्ड भी लेवल 23 का हो चुका है, ठीक है फाइनली लेवल 23 का हुआ है, यंगस्टर हार चुका है, बढ़िया भाई यंगस्टर को हरा दिया मैंने, ठीक है। उस लड़की से तो बैटल नहीं कर सकता, यहाँ पे TM18 क्या है, कॉमेट पंच मारता है भाई, कॉमेट पंच इसको सिखा दो भाई, पिकाचू भी सीख सकता है, डॉक्टर लिजर्ड भी सीख सकता है, ईशान भी सीख सकता है, ईशान के पास कौन सी पावर है भाई, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर लिजर्ड को सिखाता हूँ कॉमेट पंच है कि नहीं, क्योंकि उसके पास मूव भी कम है, ग्राउल हटा देता हूँ मैं है कि नहीं, ग्राउल हटा दिया, कॉमेट पंच सीख लिया भाई, फाइनली एक और मूव मिल चुका है जो मैंने सिखा दिया है अपने डॉक्टर लिजर्ड को, कॉमेट पंच भाई मरना नहीं बस तुम डॉक्टर लिजर्ड। यहाँ पे भी एक और आइटम मिल चुका है, रिवाइव मिल चुका है, रिवाइव का क्या करूंगा, बेच दूंगा मैं इसको जाके, क्योंकि रिवाइव तो कर नहीं सकता मैं कोई पोकेमॉन। माय सेलर स्प्राइड इज एट स्टेक, ठीक है इसकी सेलर प्राइस स्टेक में है, क्यों मेरे को भी नहीं पता। और इसके पास है आरबॉक, आरबॉक को तो इजीली मार दूंगा, कॉमेट पंच देखें कितना मारता है। ओ भाई दो अटैक मारता है भाई कॉमेट पंच, हिट टू टाइम, दो या तीन बार भी पड़ सकता है, बाइट यूज किया इसने भाई, मरना नहीं भाई तुम बस। एम्बर कितना अटैक मारेगा, एम्बर कितनी एचपी घटाएगा, एम्बर तो कम घटा रहा है, कॉमेट पंच ही मारना लेकिन बर्न दे दी। ओ भाई सुपर भाई, डॉक्टर लिजर्ड तुम ही काम आ रहे हो भाई अभी। ओ भाई बर्न का अटैक बढ़ा, यहाँ पे कॉमेट पंच है तो हार जाएगा, एक बार में हार जाएगा, एक्यूरेसी भी अच्छी मेरे को लग रहा है कॉमेट पंच की। बस बर्न बर्न बस, देखो बर्न अपना कमाल दिखाता है, देखो बर्न हुआ, रैप यूज कर लिया भाई इसने मेरे पे, लेकिन मर जाएगा भाई, देखो बर्न यूज हुआ और ये गया गया, समाप्त हो गया भाई, इजली हो गया भाई कॉमेट पंच ने इसको, और सेलर यूज कर रहा है, ठीक है पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे थंडर बोल्ट मारता हूँ इसको, हार जाएगा थंडर बोल्ट तो एक ही बार में मर जाएगा ये, और ये गया, बच गया साला, बच गया बस, अभी बताता हूँ मैं इसको, ये क्विक अटैक मारता हूँ, गया गया भाई, समाप्ति हो चुकी है भाई इसकी, समाप्ति, और इसको मारता हूँ बॉडी स्लैम, और ये गया, देखो देखो लाइव देखना भैया, ये गया भाई, देखा लाइव एक ही बार मोड़ा दे रहा भाई, पिकाचू मेरा 2 OP हो चुका है, 2 OP अगर कोई ग्राउंड टाइप ना आए तो, क्योंकि ग्राउंड टाइप के मेरे पास कोई अटैक ही नहीं है। ठीक है यहाँ पे एक और सेलर से बैटल हो रही है, ठीक है यहाँ पे एक और सेलर वांट टू फाइट भाई, सेलर ही फाइट करना चाहते हैं सब, यहाँ पे जाता हूँ ईशान पे भाई, यहाँ पे ग्रैवलर है भाई इसके पास, ईशान तो इजली मार देगा, ये ले गया भाई। ओ भाई डॉक्टर लीजर लेवल 24 पर चुका है, वो लर्न करने जा रहा है रेज, रेज तो भाई डबल एज होता है ना जितना मेरे को ध्यान, लेकिन चलो लर्न कर लेते हैं भाई, काम आ जाएगा बाद में, लेयर हटा देता हूँ। रेज मेरे हिसाब से अगर मारता है तो अपनी लाइफ भी घटती है और एनिमी की लाइफ भी घटती है, और यहाँ पे ग्रीम है इसके पास, और लिजर्ड का रेस देखते हैं कैसा काम करता है यहाँ पे, रेज मार, देखा मैं कह रहा था मेरी लाइफ भी गई है, देखना भैया जैसी मैंने मारा
ओ भाई रेस में मैं सेट हो चुका हूँ भाई, रेस में मैं सेट हो चुका। इसके पास स्लो ब्रो है ना, स्लो ब्रो बोला ना उसने। हाँ भाई स्लो ब्रो। अच्छा वो पिकाचू पे गया और ये गया भाई स्लो ब्रो। भाई इसको तो पटक के मारो, पिकाचू लेवल 30 का हो चुका भाई। पिकाचू कुछ ज्यादा ही ओपी हो रहा है, पिकाचू को भाई यूज कम करना पड़ेगा। यहाँ पे सोडा पॉप मिल चुका, सोडा पॉप मिल चुका है भाई। तो मैं वो जो टाउन था वहां पे जा सकता हूँ अब दूसरे टाउन में। ठीक है भाई ये सही है। अ सेलर हैव पोकेमॉन टू, ओके भाई ये सेलर ही है, उसके पास पोकेमॉन भी है। तो ये बताने की जरूरत है भाई पोकेमॉन की दुनिया में अगर तुम्हारा पोकेमॉन नहीं है तो क्या है। कॉमेट पंच लो भाई तुम, कुछ नहीं हो भाई। रेज भाई भाई भाई, रेज भी कुछ नहीं कर रहा है, ये मेरे को मार ना दे भाई। भाई भाई चेंज करना पड़ेगा, मैं पोकेमॉन भी चेंज नहीं कर सकता क्या भाई? हील भी नहीं कर सकता मैं भाई। गया मेरा पोकेमॉन, डॉक्टर लिजर्ड डेड हो गया, डॉक्टर लिजर्ड डेड हो गया है भाई। गया डॉक्टर लिजर्ड, गया 4 times हिट हुआ है डॉक्टर लिजर्ड। टेल व्हिप यूज किया इसने, डिफेंस ली हुआ है भाई। मैं गया 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 भाई, टेल व्हिप मार देना भाई। पहुंच गया भाई, ओ भैंस की भाई बच गया यार। भाई रेज यूज करने वाला नहीं है, समझ गया हूँ मैं भाई। पता नहीं कौन सा पोकेमोन आ रहा है, मैंने देखा भी नहीं यहाँ पे। शायद कुछ 4 million, हाँ भाई 4 million आ रहा है, मेरे को लग रहा था 4 million आ रहा है। और यहाँ पे अच्छा हूँ मैं, शान पे गया और वाटर गन मार के हरा सकता हूँ मैं इसे। ओ भाई अभी 4 million मेरा बच गया यार भाई, 4 lives बचा, 4 lives में वो। और ईशान भी लेवल अप हो चुका है, लेवल 23 का हो चुका है ईशान भी। ठीक है भाई, ओके गाइस मैं जितने भी बंदे थे नीचे सबको हरा दिया। अब मैं जा रहा हूँ इधर साइड क्या है, फिशरमैन वांट्स टू बैटल यू। और यहाँ पे भाई इन सबके पास फिशरमैन के पास मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब रैंडम आए थे तब भी उसके पास वाटर टाइप पोकेमॉन कैसे है। ठंडा वेव दिया मैंने इसको, यहाँ पे ठंडा बोल्ट देके मार देता हूँ भाई। भाई ठंडा वेव मेरे फर्जी का दिया, जब मैं ठंडा बोल्ट मार सकता हूँ। और बिजली टफ आ रहा है भाई इसके पास, बिजली टफ क्योंकि भाई बिजली टफ है टफ, तो इसलिए मैं आया हूँ इसके पास, फ्लाई के पास। और फ्लाई गस से मेरे हिसाब से मार देगा क्या, डिसेबल कर दिया भाई इसने मेरा। ओके बल विंड डिसेबल के, यहाँ पे क्विक अटैक से इसको मैं मार सकता, नहीं मार सकता हूँ। ठीक है यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइफ जा रही है इसके, लेकिन विंग गस से ज़्यादा जा रही है। और ये भाई डिफेंस रोज कर रही है अपना, क्यों रोज कर रही है? ठीक है भाई क्रिट पड़ गया भाई, मर गया। ठीक है मेरा ये फ्लाई भी थोड़ा लेवल अप हुआ है। यहाँ पे डिग्लिट आया है, डिग्लिट आया तो भाई इजीली हरा सकता हूँ भाई डिग्लिट को मैं, क्योंकि मेरे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ठीक है मैंने फिशरमैन को तो हरा दिया भाई, इजीली हरा दिया भाई। मैं आइटम लेने जा ही रहा था यहाँ पे, इसने भी रोक दिया मेरे को। ठीक है इसके पास है गोल्डीन है इसके पास, गोल्डीन अभी बताता हूँ भाई। गोल्डीन ले ठंडा बोल, गया भाई गोल्डीन को उड़ा दिया मैंने। यहाँ पे इसके पास दूसरा टेंटाकल भाई, पिकाचू रुक जा, ये ले ठंडा बोल भाई। जितने भी वाटर टाइप पोकेमॉन है पिकाचू के सामने टिकेंगे नहीं वो, इतना जान लो पिकाचू मेरा इतना ओपी हो चुका है। क्या रेयर कैंडी मिली? एक मिनट, जो रेयर कैंडी मिली ना, रेयर कैंडी मिली होगी तो मैं किसी पोकेमॉन को दूंगा वो। फायर स्टोन मिला है भाई मेरे को, लगा रेयर कैंडी मिली है। अगर ईवी मिल गई भाई मेरे को तो मैं फायर स्टोन यूज कर सकता हूँ, वरना मैं सेल कर दूंगा इसको। यहाँ पे बैटल नहीं हो रही है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आगे की तरफ। देखें यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे कोई आया है, गैरी आया है भाई, मेरा राइवल आया है। राइवल से राइवल की बैटल होगी भाई, ठीक है यहाँ पे भाई राइवल की हम लोग की बैटल होने वाली है, राइवल और मेरी। और इसके पास कितने पोकेमॉन है इस बार? इसके पास 4 पोकेमॉन है और ड्रैगन नाइट है इसके पास भाई, ड्रैगन नाइट लेके घूम रहा है लौंडा। ओके कॉमेट पंच से मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए जितना मेरे को लग रहा है। गया भाई, एक और हिट पड़ेगा तो गया, क्रिट पड़ा है पहला अटैक, क्रिट पड़ा है तब ये हाल है भाई। गया मेरे पोकेमॉन 2 OP हो चुके हैं भाई। और यहाँ पे इसके पास है भाई इसका दूसरा पोकेमॉन है ड्यूगॉन, ये आइस टाइप पोकेमॉन है। एम्बर तो मर जाएगा भाई एक ही बार में, मर जाएगा मेरे को लग रहा है। वाटर टाइप है मेरे हिसाब से भाई, वाटर गन ना मारना भाई, वाटर गन मार दिया तो मैं गया था भाई। मेरे को ध्यान आ गया ये वाटर टाइप पोकेमॉन है, आइस टाइप के मूव यूज कर सकता है वैसे ही है। पिकाचू पे जाता हूँ ज्यादा सही रहेगा, पिकाचू आ चुका है मेरा। अरोरा बीम, मरना नहीं पिकाचू। हाँ ठीक है भाई, अच्छा हुआ मैंने भाग यहाँ पे ठंडा वेव दे दिया मैंने इसे। मैं वैसे थंडर बोल्ट मारने जा रहा था लेकिन इसके थंडर वेव पड़ गई गलती से, कोई नहीं लेकिन थंडर बोल्ट अब पड़ेगा ना, अब पड़ेगा भाई थंडर बोल्ट। देखो गया और ये गया भाई, एक ही बार का कमाल है थंडर बोल्ट का। और लिजर्ड भी लेवल अप हो रहा है और ये भी लेवल अप हो रहा है। एब्रा है इसके पास, एब्रा कडेब्रा, तो एब्रा से मैं बैटल करूंगा। फ्लाई की बैटल करा दे, ईशान की बैटल कराते हैं।
मेरे को थोड़े अपने पोकेमोन को भी अपग्रेड करना है, दूसरे पोकेमोन को भी, वरना तो भाई एक ही तो तीन पोकेमोन ही अपग्रेड होते रहेंगे। यहाँ पे वाटर गन मारता हूँ मैं इस पर, देखते हैं कितनी लाइफ जाती है। भाई अच्छी क्रिट पड़ा है। टेलीपोर्ट, कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है भाई? नहीं भाई, अगर एब्रा इसके पास है, बाद में जो कैडेब्रा बनेगा इसने मूव अच्छे सिखाए तो भाई सुपर हार्ड बैटल होगी इससे मेरी। ठीक है, यहाँ पे एब्रा तो उड़ा दिया मैंने इसको, और ईवी इसके पास, हाँ ईवी तो भाई स्टार्टर पोकेमॉन थी इसके पास, मैं भूल ही गया, ईवी तो अच्छे खासे लेवल की होगी। और डॉक्टर पे चलते, डॉक्टर लिजर्ड पे। ईवी को 20 लेवल का रखा है भाई अभी तक इसने, क्या कर रहा है भाई? मेरे से फायर स्टोन ले ले, इवॉल्व कर ले अपनी ईवी को, पता नहीं क्या कर रहा है, ईवी को इवॉल्व नहीं कर पा रहा है भाई अपने। ओ भाई ये टैकल, मेरे को लगा क्या मारा है, टैकल मारा है, ये ले स्क्रैच ले मेरा, गया तू, ये ले डेड हो गया भाई, डेड डेड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, हरा दिया भाई। गैरी तो बड़ा वीक है भाई, पता नहीं क्यों इतना वीक क्यों है गैरी, लेकिन पैसे अच्छे खासे दिए इसने भी। आई हर्ड देयर वाज अ कट मास्टर ऑन बोर्ड, ओके, बट ही वाज जस्ट अ सी सिक ओल्डर मैन, ओके। ठीक है भाई, यहाँ पे एक कट मास्टर है जो कट सिखाएगा हमें, जिससे कि मैं उस क्या बोलते हैं जिप में जा सकता हूँ और बैज ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कट कौन सिखाएगा मेरे को, ये सिखाएगा कैप्टन, ओ हाँ, भाई उल्टी कर रहा है ये, ओके मैंने इसके पीठ रब किया और ये सही हो गया, ये बड़ा अच्छा भाई, ये तो बड़ा अच्छा था, पीठ रब किया और ये सही हो गया। और इसके पास से मेरे को मिल चुका है कट, ओके मेरे पास कट HM आ चुका है, यहाँ पे इसने उल्टी की है ना, या क्या भाई मैं उल्टी देख रहा था इसकी, हद हो गई है। ठीक है, मैंने यहाँ से कट तो सीख लिया है, अब मैं चलता हूँ भाई बाहर की तरफ थोड़ा। ठीक है, मैं अब यहाँ से शिप से बाहर निकल सकता हूँ, और मैंने कट सीख लिया है जो यहाँ पे कट मास्टर था, और ये शिप सेल कर चुकी है यहाँ से, देखो शिप जा रही है भाई, लग्जूरियस शिप। भाई मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया इस लग्जूरियस शिप में बैटल करने में, अगर आपको मजा आया है तो भाई जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे ऑसम ऑसम वीडियो कंटेंट आते रहेंगे। और इसके बाद वाले एपिसोड में मेरे को बैटल करनी है जिम लीडर से, क्योंकि मेरे पास आ चुका है कट, और भाई उस जगह में जहाँ पे ग्रास थी उसको मैं कट करके जाऊंगा जिम लीडर से बैटल करने, जो है इलेक्ट्रिक टाइप जिम। और भाई उसके पास जो नहीं इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हो, उसके पास म्यूटू भी हो सकता है, और भी कोई टाइप के पोकेमॉन हो सकते हैं लेजेंडरी वाले, तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड बैटल होने वाली है जो ये जिम है इस सर, तो भाई उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जाके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, तभी आपको पता चलेगा कि नई नई वीडियो कब अपलोड हो रही है। तो भाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूं मैं आपको अगले एपिसोड के साथ, बाय बाय।